एंड जय गुरुजी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो लास्ट व्लॉग आपने देखा ही है, हम गए थे आगरा। आगरा से वापसी में हम आए थे वृंदावन। तो हम कन्हैया जी की नगरी में आ चुके हैं, ठाकुर जी की नगरी में आ चुके हैं। तो ये है उनकी गलियां। तो हम जा रहे थे बांके बिहारी मंदिर, जो कि वृंदावन का फेमस मंदिर है। तो वहाँ पर हम जा रहे थे और इस दिन ना बहुत ज़्यादा क्राउड था, पैर रखने की जगह नहीं थी, बिकॉज ऑफ गोवर्धन पूजा थी। इसी वजह से मतलब पूरा वृंदावन में ना इतना रश था, आप देख ही लोगे आगे। तो हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। मंदिर जाते टाइम बहुत ज़्यादा क्राउड था और उस टाइम पे हमें सोचा कि हम पहले कुछ खा लें, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लग रही थी। हमने आगरा में खा के निकले थे, फिर हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो हमने यहाँ पर पहले कचौड़ी खा ली थी और उस टाइम पे ना मंदिर के बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी, तो बच्चों के साथ थोड़ा सेफ नहीं लग रहा था। तो अभी जाके देखो, अभी थोड़ा सा क्राउड जो कम हुआ है, तो हम मंदिर के लिए निकले हैं। हालांकि मंदिर के बाहर वाली गली में ही थे हम, तो अंदर जाने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। फिर भी इतना खाली नहीं था, थोड़ा बहुत क्राउड था। तो अभी हम पहुंच गए हैं बांके बिहारी मंदिर। तो सारे दर्शन कर लेना कान्हा जी के, और जो भी विश मांगनी है अपनी विश मांग लेना। और या इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, मैंने बहुत मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड किया है आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। होप आप लोगों ने अच्छे से दर्शन किए होंगे। जितना भी मेरे से हो सका ना, मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया है। बाकी आप क्राउड देख सकते हो कि इस क्राउड में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो कैसा लगा आप लोगों को दर्शन करके, कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट में एक बार राधे राधे जरूर लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अभी हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, हमने दर्शन कर लिया। अंदर रुकने का फायदा नहीं था क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा था और बच्चे भी थोड़ा परेशान हो रहे थे भीड़ की वजह से। तो हमने यहाँ पर बाहर आके लस्सी पी। यहाँ की लस्सी बहुत ही टेस्टी होती है, आप लोग जरूर करना, मीठी लस्सी या नमकीन लस्सी। तो बस अब हम आगे जा रहे थे, तो यहाँ पर हमने मीठा पान खाया, क्योंकि पान मुझे बहुत पसंद है। किस किस का पसंद है जरूर बताना। तो हमने 2 पान लिए थे, एक इन्होंने खाया था और एक मैंने खाया था, बाकी किसी ने नहीं खाया क्योंकि और किसी को पसंद ही नहीं था। बाकी आप लोग जरूर ट्राई करना अगर आप लोग वृंदावन जाते हो ना, तो लस्सी हो गई, पान हो गए, इनको मिस मत करना। और बिल्कुल मतलब आप ट्राई करना, आपको बड़ा मजा आएगा। और ये यहाँ की मार्केट है, हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं तो हम रुकते कुछ ना कुछ लेते, कुछ नहीं ले पाए। तो बस आगे हम निकल पड़े थे, आगे हमने जाना था प्रेम मंदिर। जो कि प्रेम मंदिर का घूमने का मजा ना रात को ही आता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है ना, बहुत ही मज़ा आता है देखने में, घूमने में। आप अगर यहाँ पर क्राउड ना हो ना, तो आप थोड़ी देर बैठोगे, आपको शांति मिलेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चाहे यहाँ के कितने भी मंदिर हो जाए, आप आराम से मतलब बैठ सकते हो, भगवान जी से आई कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही मतलब आनंद आता है ऐसी जगहों में, है ना। तो हम जब पहले आए ना, हम आते थे ना, रुकते थे मंदिर में, क्योंकि उस टाइम पे क्राउड नहीं होता था। आज के दिन बहुत क्राउड था क्योंकि गोवर्धन पूजा थी और ये तो मेन स्थान है ना, इसी वजह से आज यहाँ पर बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको दिखा रही हूँ, जैसे यहाँ पर छोटे से मतलब छोटे छोटे कॉर्नर पे पार्क बने हुए हैं, कान्हा जी का जैसे भी उनका वो किया करते थे वही चीज़ों पे यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, जैसे कि कान्हा जी ने नागशेख पे चढ़ के डांस वगैरह किया था, वही सब चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई है। बाकी आप देखो यहाँ पर भी मंदिर में बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ भड़ाका था। और ये मंदिर है सामने जो देख रहे हो, जहाँ पर इतनी सारी लाइटनिंग है, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है रात के टाइम पे। फाउंटेन एरिया भी है यहाँ पर, रात को फाउंटेन वगैरह चलाते हैं जिस पे पूरी आरती होती है।
चारों तरफ से मैंने कोशिश करी आप लोगों को दिखाने की, तो देख सकते हो आप पूरी चारों तरफ से पूरा लाइटनिंग से कवर है। और मंदिर के सामने ही फाउंटेन का एरिया, जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर आरती होती है, इसी जगह पे सामने आरती होती है, तभी यहाँ पर थोड़ा सा क्राउड है क्योंकि इसका टाइमिंग है आरती का 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पर कुछ आपको खाने का भी मिल जाएगा, स्टॉल्स वगैरह, मतलब एक कैंटीन एरिया बना हुआ है, अगर बच्चे हैं भूख वगैरह लगती है तो आप अंदर ही कुछ खा सकते हो। एंड मंदिर ओपन होने का टाइम मैं आपको बताती हूँ, मॉर्निंग में हो जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग हो जाते हैं और आफ्टरनून 12 बजे तक ओपन रहते हैं, उसके बाद जो मंदिर है बंद हो जाते हैं और शाम को खुलते हैं 4 बजे एंड रात के 8:30 बजे तक ओपन होते हैं, उसके बाद क्लोज हो जाते हैं मंदिर। मतलब आपका आप आते हो तो अपना टाइम से आना, आप टाइम से दर्शन कर सकते हो। एंड निधिवन जो मंदिर है वहाँ पर हम गए नहीं थे, वो शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो अभी आपने देखा जो मैंने आपको दिखाया है वो था गोवर्धन पर्वत, जो कान्हा जी ने अपने हाथ पे उठाया था छोटी सी उंगली पे, तो बना हुआ था और ऊपर से वाटरफॉल हो रहा था। काफ़ी अच्छा है मंदिर, आप आना चाहो तो आप आ सकते हो। मंदिर के अंदर हम नहीं गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था और बच्चों के साथ ना थोड़ा सा अनसेफ लग रहा था क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इरीटेट हो चुके थे धक्का मुक्की लगने की वजह से। चलो नन्नू का तो ठीक था, वो मतलब एक दो बार आया हुआ है, बट डुकू बहुत छोटा था तो इसी वजह से हम अंदर नहीं गए थे। आप देख ही सकते हो क्राउड कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा था। तो अंदर जब हम जाते हैं ना मंदिर के अंदर, जो अभी आप देख रहे हो जहाँ पर लाइटनिंग थी सामने, तो वहाँ पर जैसे कि ये वाला आप देख रहे हो, तो यहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, आप अपने पास रखो बट आपको रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता है। तो बस हमने दर्शन कर लिए हैं अच्छे से, और आप लोगों ने दर्शन किए नहीं किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये व्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। एंड टाइम ज़्यादा हो गया था, 8:30 हो गए थे, 8:30 बजे ऑलमोस्ट जितने भी मंदिर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और अगर आप 8:30 बजे मंदिर के बाहर आ गए हो ना तो भी आपकी एंट्री नहीं होगी, जो अंदर होते हैं बस उनको एग्जिट कराया जाता है, उसके बाद मंदिर क्लोज हो जाते हैं। तो बस हम निकल चुके थे घर की ओर, और व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और एक कमेंट ज़रूर करना राधे राधे व्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वाले व्लॉग में, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे, गुड नाइट।